नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आइस माइनिंग रोज एक नया, रोज एक नया, रोज एक नया कुछ ना कुछ लफड़ा लेके आ जाते हैं और कहीं ना कहीं टेंशन भी क्रिएट कर देते हैं कि भाई क्या चाहते क्या हो। वो कहते ना कहीं एक डायलॉग है, चाहते क्या हो, कहना क्या चाहते हो। वही सीन कुछ आइस वालों के साथ हो गया। क्या हुआ है चलिए वो भी बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ, और खासकर उन लोगों के लिए जो भाई आइस माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी और मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा लगे भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं आइस माइनिंग। पहले जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी इनकी क्विज, क्योंकि वही मामला मान लीजिए 60-70% खत्म हो चुका, क्योंकि सबके बस का ही नहीं था क्विज का करना। दूसरा, अब इन्होंने एक और नई आफत खड़ी कर दी और वो है आज की डेट में माइनिंग का 0-100 होना। यानी आपका जहां पे आप माइनिंग करते हैं, जो आप हथौड़ी 24 घंटे में एक बार प्रेस करते हैं, कुछ 12 घंटे में 18 घंटे में प्रेस करते हैं, अब वहां माइनिंग रेट आपका 0-100 हो रहा है। ये क्यों हुआ, ये इन्होंने क्या एक नया ड्रामा और कर दिया? बिल्कुल सर, कुछ ऐसा ही है। कहीं ना कहीं देखिए होता क्या है, ये जो फ्री के माइनिंग ऐप होते हैं, स्टार्टिंग में नहीं पता होता देखिए ये क्या चाहते हैं या क्या करेंगे, डेवलपमेंट को कहाँ किधर लेके जाएंगे। शायद इनको भी नहीं पता होता और ये कम्युनिटी को भी नहीं पता पाता कि आखिर होगा क्या। साहब धीरे धीरे जब बातें आगे बढ़ती हैं, प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, माइनिंग आगे बढ़ती है, उसके बाद धीरे धीरे परतें खुलती हैं। वही कुछ इनके साथ हुआ। जब से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है तब से ही इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चली रही है। पहले तो उन्होंने शायद सबसे बड़ी गलती यही कर दी कि इनको मेननेट से पहले डिस्ट्रीब्यूशन करना ही नहीं था। ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब कुछ हो सकता है जल्दीबाजी में रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने पहले देखिए OKX के साथ भी अच्छा खासा पार्टनरशिप करके, और फिर जब उन्होंने धोखा दे दिया तो वहां भी कोर्ट कचहरी का मामला फंस गया। कल परसों उन्होंने फिर से एक अपडेट दिया कि साहब OKX अब दोबारा से सारी ट्रेडिंग कराएगा जहां जी लीगली अप्रूव है वहां। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। अब प्रोजेक्ट के साथ दिक्कत यह आ रही है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है भाई, देखिए उसमें से 90% लोग तो सेल ही कर रहे हैं। अब जब सेल कर रहे हैं तो कहां से जाएगा, जो उन्होंने इनिशियल फंड डाला हुआ है उसी में से जाएगा। वही कहीं ना कहीं इनको लॉस हो रहा है। तो वही कह रहा है कि हमको जो है लगभग $50,000 का जो है मंथली लॉस हो रहा है इसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं इनके लिए जो माइनिंग हो रही थी और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके बाद वो जो सेल हो रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं ये जो लॉस झेलना पड़ रहा था, अब उसको मेंटेन कैसे करें और तो कोई चारा है नहीं। इन्होंने क्या करा, मुझे लगता है अब माइनिंग यहां इन्होंने क्लोज कर दी। और इन्होंने बहुत क्लियर कट बोला है, आप भी ध्यान से सुनिएगा क्या बोला है इन्होंने। आज ही जो अपडेट दिया है मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। जो आपके टोकन अब तक हैं वो शायद रहेंगे, लेकिन जो आपके नीचे रेफरल हैं वो क्विज अगर नहीं कर पाएंगे तो आपके कम टोकन जरूर होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मेन बात है घुमा के सारी के क्विज का करना। अब जो लोग क्विज नहीं कर पाएंगे वो तो देखिए ऑटोमेटिकली सारे बाहर हो जाएंगे, उनका तो कुछ बचेगा ही नहीं, चाहे उन्होंने 1,00,000 माइन किया चाहे 1 माइन किया, सारा जीरो। जिन्होंने क्विज कर ली है उनका जो भी बचेगा उस टाइम तक, वो 28 फरवरी इन्होंने लास्ट डेट रखी है, मे बी 30% काट के पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। अभी शायद ऐसा ही है, लेकिन अभी इन्होंने बहुत क्लियर कट इस चीज को नहीं बोला है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस वजह से इन्होंने पहले बोला है कि 3 कंडीशन रखी है सामने। पहला है कि आपकी क्विज कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, तब आप आगे स्टेप के लिए तैयार हैं। दूसरा, आपका BNB का एड्रेस आपका ऐप में मेंशन होना चाहिए। अब तक ये भी था ना कि आप मेंशन नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, आपको अक्टूबर में मिल जाएगा। लेकिन यहां पर जो है ये कह रहे हैं कि आपका अब मेंशन करना ही करना है, यानी कि जिन लोगों ने हटा भी दिया था ना, तो भाई दोबारा से आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क का अपना BNB का एड्रेस ऐप में अपडेट कर दीजिए। इस चक्कर में मत रहना कि भाई अक्टूबर में जाके लेंगे जब इनका मेन नेट आएगा, भाई कुछ पता नहीं है, रोज एक नया ड्रामा लेके आ रहा है। तो इसलिए आप अपना BNB का एड्रेस जरूर डालिए। तीसरी कंडीशन ये है, 28 फरवरी तक आपको जो माइन वाली हथौड़ी है जहां से अभी तक आप माइन रोज करते थे उसको प्रेस करना ही करना है, चाहे वो 0-100 हो रहा है होने दीजिए, माइनिंग रेट आपका 0-100 होगा, लेकिन आपको माइनिंग कंटिन्यू रखनी है। यानी कि 28 फरवरी तक आपको फिर भी हथौड़ी तो दबानी पड़ेगी, माइनिंग रेट आपका 0 है चाहे 1 है, वैसे 0 ही रहेगा, क्योंकि माइनिंग इन्होंने बंद कर दी। अब आपको शायद ये चीज कंफर्म हो गई होगी कि आपको ये 3 कंडीशन फुलफिल करनी ही करनी है 28 फरवरी तक। एक बार ब्रीफ में बता देता हूं, माइनिंग कंटिन्यू रखनी है, बेशक आपका 0-100 हो रहा है माइनिंग रेट जो, ठीक है, आपका BNB का एड्रेस कंपलसरी है, डालना ही डालना है। दूसरा, आपका क्विज जो है कंपलसरी है, पास करनी ही करनी है। तो देखिए मेन बात है भाई, जिन लोगों की क्विज नहीं हुई है वो क्विज कीजिए एनी हाउ,
कुछ भी कीजिए, पहले क्विज को आप कीजिए, जिससे कम से कम आपके पास 1,000 है, 2,000 है, 50,000 है, जितना है कम से कम वो तो बचे भाई। बात अब आगे की माइनिंग का तो कोई लफड़ा नहीं है, आगे की माइनिंग का तो खत्म का नहीं, केवल जो अब तक है उसको तो बचाओ। तो भाई क्विज करो, कैसे भी करो, कहीं से भी करो, बहुत सारा ट्विटर पे मसाला भरा पड़ा है, आप कहीं से भी क्वेश्चन देख लोगे तो भी आपके हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं आपके ट्विटर पर, यूट्यूब पर भी हैं, तो आप कहीं से भी देख लोगे तो भी आपकी क्विज हो जाएगी। नॉलेज बेस अगर किसी को समझना है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, भाई इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में समझना चाहते हो, तो भाई मुझे आप टेलीग्राम पे आप डीएम कर सकते हो, मैं आपको समझा देता हूं कि भाई नॉलेज बेस आखिर इनका है क्या। क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम वही आ रही कि भाई इंग्लिश में होने के बाद हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उनको समझाने की पूरी कोशिश कर सकता हूं। लेकिन मेन फोकस वही है कि आपने जो मेहनत अब तक की है उसको बचाइए, यानी कि क्विज को कंप्लीट कीजिए एनी हाउ। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आखिर इन्होंने करा क्या है। तो भाई वही कहते हैं ना कि कुछ पता नहीं होता कि भाई क्या करेंगे, क्या होगा, फ्री के प्रोजेक्ट होते हैं। अब एक डिस्ट्रीब्यूशन तो मिल गया, लेकिन जिनको नहीं मिला है तो भाई वो आगे के लिए भी तैयार हो जाइए। अब जीरो हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप माइनिंग छोड़ देंगे, आपको माइनिंग तो फिर भी करनी पड़ेगी, कंटिन्यू रहना पड़ेगा 28 फरवरी तक, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि माइनिंग बंद हो गई तो हम उसको हथौड़ी को टच नहीं करेंगे, वो तो 24 आवर में आपको एक बार टच करनी ही पड़ेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि जीरो हो गया तो आप जो है छोड़ दोगे, माइनिंग बंद हो गई तो काम ही खत्म हो गया, नहीं, 28 फरवरी तक आपको हथौड़ी फिर भी टच करनी पड़ेगी, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी और देखिए भाई, मार्केट में आपका BTC 52,000 के ऊपर चल ही रहा है, तो सारी की सारी पॉजिटिविटी, सारी की सारी वो कहता है कि बाइंग सेलिंग जो हो रही है, सेलिंग तो हो ही नहीं रही है, बाइंग ही बाइंग हो रही है BTC में, इसीलिए आप देख रहे हैं 52,000 के ऊपर चल ही रहा है। बाकी देखिए, रही बात अल्ट कॉइंस की या आपने और मीम कॉइंस की, तो उनमें क्या, तो भाई देखिए मैंने कल ही इस बात पे केवल अल्ट कॉइंस वालों के लिए ही बोला था कि आपको इंतजार ही अभी करना पड़ेगा। हाँ भाई, अब 2-4-10% तक तो अब धीरे धीरे ये मिलने लगा है, लेकिन ये कहो कि अभी अल्ट सीजन शुरू हो गया है ऐसा नहीं है। देखिए अभी भी हाँ थोड़ा सा डर वही है कि कहीं थोड़ा सा ये जो करेक्शन है वो कहीं 46,000-48,000 के आसपास तक का ना आ जाए। अगर ऐसा आया तो देखिए अल्ट कॉइंस में तो अच्छा खासा आप जानते हैं, अगर BTC गिरेगा तो अल्ट कॉइन तो अपने आप ऑटोमेटिकली धड़ाम 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 गिरने शुरू हो जाते हैं। तो डर इसी बात का है कि करेक्शन आएगा तो देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ अलर्ट रहना भी पड़ेगा। लेकिन अभी चांस तो, क्योंकि मेन चीज क्या है, लिक्विडेशन मैप जो है बराबर बराबर, यानी लॉन्ग शॉर्ट बिल्कुल ये मान लीजिए बराबर पोजिशन खुली हुई है। तो यहाँ बात वही है कि पहले मार्केट क्या लेगा, लॉन्ग वालों को लेगा या शॉर्ट वालों को लेगा, बस यही थोड़ा सा देखना है। तो इसीलिए भाई देखिए, जो भी अल्टकॉइंस वाले हैं थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट तो अब देखिए वैसे बुलिश है, तो इसमें कोई दिक्कत आया डरने वाली बात नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, नमस्कार।